बिरनी थाना क्षेत्र की बरो टोला निवासी सुभाष वर्मा को उनके ही गांव के सुरेंद्र वर्मा और किशोरी वर्मा के द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सुरेंद्र वर्मा और किशोरी वर्मा आपस में फोन से बात कर रहे हैं और सुभाष वर्मा को मारने की योजना बना रहे हैं। कोई हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है तो कोई हाथ पैर काटने की बात कर रहा है। हेलो 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 की बेल छोटका का साथ में आए ना आज बेलन कल छोटका तो साथ में आए सुबह बेल लेकिन मालूम पड़ लो देर से हमरा हां देर से मालूम पड़ लो बोल कैसे हम जैसे हम बतेल को बाद में बतेल को ना 12 बजे करीब ना काय वो कान बतेल के पहले जाम में गाना चला ही नहीं वहां बतेल के तो कहे कहे जा रहा तखन अगर पाल का या साधु माता घर आए ना हां उन्हें सपा आवो ना यार उन्हें जाके रिसल्ला जाके सुरेंद्र नेतवा छोड़ा उन्हें सा बोल लो तुम सालू मतो घर निकाल के बोल काल तो जाकर रोइन दल रही धो दल रही हो तो कल काल के की बोल तो धो का इन दल ही अपने खुद का काल का अपने काल के तसे रिसल ने वो टूटे माने लो बात के बस फटा जी चल के काल के तो दिखा दियो हां बोल हम मैं खड़ा के माने ले बांस वाला हम घिचल लिए कल या तो मार जाओ हम ओकर से बढ़िया डंडा उठे ले लिए मैं ओकर बतरमा जी ता से बोलता रायदा में ओकर डितरला पकड़ के ले नहीं यार तो बहुत बेकुल है ताली ता वो तो वहां से हट ले का तो वहां से हम खड़ा हम खाली मारते आज तो हम मारिए दबे ना बोले हम वो रायदा में पगले पकड़ के ले गए ता हम छोड़ दिए तब ये बता मालूम पड़ लो देर से ता हम चले भी सामान लाने अभी ये सामान लेके पलंजिया गेम लिए तो कल ये कहावे रतिया मैंने तो बाबू कह लिया वहाँ जाकर निकल गया ना बाबू कह लो लिया अरे जाके सुरेंद्र फिर प्रचार लिए जाकर नहीं बालेश्वर ने फोन के माध्यम से कहा लगी है आपका गलत बात है वो कट्टा खाली गलत खाली मुँह तो लेकिन सामने ना बोला पारी तो नहीं अभी ओकरा जाके नहीं बोला कुछ की रहा कहा करो इसे हमने रहो खड़ा वो समय आएगा तब बताया खाली समय का ही आए थे समय अभी एक मिनट में तो फोन कर ले तोरे वास्ते एक पर खड़ा में रह लिया बिना खर्चा के खर्चा कर ली तो वाइल ले तोरा फोन कर ले ना ना इला ना काली की तू काली में तोरा कलकत्ता फोन कर ले लन की कलकत्ता ना यहां पाछे पर जने ना ली रतिया में हां तखनी बालेश्वर ने फोन कर ले की एक यहां तुम बिहान हमारा एजेंट बन दियो बोल ठीक बालेश्वर ने हां कितना देर लगेगा तुम यहां पर हम पहले ठीक है बन दबो तब काली की तू काली तुम तो चेक पेपर खड़ा होकर दिन भर खड़ा रहकर बिना पैसा तो काम कर दलियो हम और तू खाली यार बात काल मोटर करो मैं ओकरा पूछ जागा कि काहे मांगे कि हम घिचल कैसे हां काम करने के काम का क्या कहा है अभी जाके बात कर हां और सुरेंद्र काली तुम कल को गलत किया है हां अरे सब साथ में बोल दिन यार ठीक है ना कल सुबह सुबह ले आएगा सब की कल को कल का हाँ बिल्कुल समझा दिए हैं समझा देंगे गलत किया है अभी तो अच्छा जानो कि पहले वो घिचल कर ताना हमारे चचू ने देख के दे आखिर कुछ देख के वहाँ ताना दे ले अब को पार होता है वहाँ तो बोल रही अगर ताना दे तो मैं टोकबे कर दो भाई बोला हाँ बात तो सही है वो छोड़ा कर पचपन दो गोटा घटा ले देना दी ना ना तो अगर प्लानिंग कर घर में सावन में होते सावन में होते थे सावना जो हुआ उसमें पन्ने निकालो फरिया पन्ने निकालो है वहाँ जाकर मटिया गिराओ कर आंगन में पन्ने बंद कर दबे वहाँ चिल्ला चिल्ली करते रहो वहाँ चिल्ला चिल्ली में वो क्रीम पीट देना अच्छा बंडा के बंडा बचवा को वहाँ धोना अच्छा वो क्रीम पलाने से तो नहीं बताओ कि मैं राय दिन साग होते खाली हो जाएगा विचार की माए उस वक्त मस्त था मैं तो दूर के ना और माया का फिर चाली ने पहले भी एक दुकान में आरोप कल हो जी जो तो पड़े वाला कमा कर रहा है ये सब भी तैयारी करना हो ना जैसे भी होने वाला जी कोई कमा ना तो इसीलिए भी छोड़ दे सावन में ही होगा सोचल जी तो माए घर में पिट बोगा और गुलगुला पेट में और इतना के नम दम जिंदगी भर साथ के जो है गोड़ा से हंसा छोड़ देना पापा रे बेटा दियो करी हां जबकि सलाह अपने दे सामान कोई आवो हो तो ग्रुप सार पीठ हाँ ओकरो पीठ हाँ और वहाँ उस वक्त घरे मन लेकिन अब ना पहले जमुना हमने जोते चेष्टा कर यहाँ जोत एक बार यहाँ सावन लाठी डंडा तैयार रहा घर में सर यहाँ पहले जोते एक बार चेष्टा कर सावन में मीठा चल रहा है
जहाँ बंदा पिता जीते एक बार अरे ताक लागे तक यहाँ पिट बढ़ रही है मनी ओबरा मैं अड़वरी है पिट अड़वरी है मर कहे ना अड़वरी है पिट दियो बट क्या हाँ ताक लागे तक यहाँ पिटना पिटना हिसाब से छोड़ना ना है इतना ना ना तो मैं इसलिए मार सार का तो मरू कर दे सार का खाली जाना बचा के मार हाथा घोड़ा थोड़े दिन ताक फिर चलवा जियो फिर निकल दे सर वो हाँ छह महीने बाद मर जाए बिट्टी रे अपना मार जान बचा के हाथ चाहे गोड़ दूर किरान कर दे सर काट देना सर के ना झाड़ जाता होता है अगर हम ना मर्डर होते गोड़ हाथ काट दे सर के थोड़ा भी तो जुड़ जी तो काट दे ना पर जुड़ता है लेकिन सर से हम बेकामे हो जीते ना रात उठ लगी तो रात उठ लाते था से बेकामे हो जीते। इधर सुभाष वर्मा ने लिखित आवेदन के माध्यम से मामले की शिकायत बिरनी थाना में कर दिया है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन के माध्यम से विधि संगत कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। 25 मई को शाम 7:19 पे एक बरोटोला व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो आता है। उस ऑडियो में दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। उस ऑडियो को 6:19 बना हुआ है और जो आपस में बात करते हैं उसमें स्पष्ट हमारे जो हत्या करने की षड्यंत्र है वो आपस में शेयर करते हैं कि कैसे कैसे प्लानिंग करना है, कैसे कैसे उसकी हत्या करना है। टोटल वीडियो में एक मेरा नाम आता है, मुझे गांव के लोग मेरा नाम सुभाष वर्मा है और गाँव के लोग मुझे पच्चू प्यार से पच्चू भी कह के बुलाते हैं और वो पच्चू का जिक्र करता है कि इन्हीं को मारना है, इसे काटना है, इसे ख़त्म करना है। हम इस मामला हमारे पास जब ऑडियो आया तो हमने इसकी सूचना थाना प्रभारी को लिखित तौर पे दिया है और इसकी सूचना सरिया अनुमंडल के एसडीपीओ साहब को भी हमने दिया है और इसकी सूचना एसपी साहब को भी हमने टेलीफोनिक माध्यम से दिया है और लिखित तौर पे उनसे आग्रह किया है कि ऐसी घटना ये आपराधिक के लोग हैं। पूर्व में भी 2020 में कांड संख्या 247 जो बिनी थाना कांड संख्या में दर्ज है और उसमें भी मेरी हत्या करने का प्रयास ये लोग कर चुका है और ऐसे में कभी भी ये लोग हमारी हत्या कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर अविलंब से अविलंब कार्रवाई हो और मेरी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बिरनी का मंडल के हूँ और हमने पार्टी स्तर पर ही लोगों को हमने सूचना दे दिया है। पार्टी भी इसको गंभीरता से ली है और जल्द इस पर रणनीति बना के इसकी आंदोलन होगी। यदि उस ऐसे लोगों पर कार्रवाई अविलंब नहीं होती है तो पार्टी इस पर तय करेगी कि आगे क्या करना है। बहरहाल मामला क्या है यह जाँच का विषय है। पुलिसिया जांच पड़ताल के बाद ही मामले का उद्भेदन संभव है।